नमस्कार दोस्तों, एमपी ऑनलाइन सीएससी ट्रेनिंग के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से रोज सुबह वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी भी हम आपको प्रदान करते हैं, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ एमपी ऑनलाइन सीएससी बिजनेस से रिलेटेड कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए आप हमारा ऐप कंप्यूटर ज्ञान केंद्र डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आज की वैकेंसी जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वैकेंसी। नवंबर 2020 में इस यानी कि जो वैकेंसी है वनपाल और वन रक्षक, ये इसकी सीधी भर्ती आई हुई थी नवंबर 2020 में। और इसके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुल पद यहाँ पर दिए गए हैं, वनपाल के 87 और वन रक्षक के 1041 ये पद वहाँ पर निकले हुए थे। और ये जो वैकेंसी थी 2020 में आई थी, लेकिन अभी यहाँ पर ये वैकेंसी जो है फिर से चालू की गई है, स्टार्ट की गई है। और ये नोटिफिकेशन आया है 11 मार्च 2022 को। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंतर्गत, जो कि जयपुर, यहाँ पर इनका एड्रेस दिया हुआ है जयपुर, और ये 11/3/2022 को एक और इनकी पुनः विज्ञप्ति आई हुई है, संशोधित विज्ञप्ति जिसको बोल रहे हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि इसके लिए पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सबसे पहले इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये पीडीएफ में आपको वैसे तो सारी जानकारी जो वापस ये जो पुनः इन्होंने निकाला हुआ है, विज्ञप्ति निकाली है, इस विज्ञप्ति में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसकी लिंक जो है, इस पीडीएफ की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके पहले थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है उससे रिलेटेड। तो ये जो वैकेंसी है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 8/12/2020, ये जो 2020 में स्टार्ट हुई थी, रीओपन हुआ है 14 मार्च 2022 से। और 14 मार्च 2022 से रीओपन होने के बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो है 29 मार्च 2022। तो 29 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये है, ओबीसी एनसीएल के लिए 350 है, एससी एसटी के लिए 250 रुपये है, करेक्शन चार्ज 300। यदि आप कोई गलती करते हैं और आप उसको सही करना चाहते हैं तो उसके लिए चार्ज जो है 300 रुपये यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें एज लिमिट की, तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल इसकी एज दी गई है लिमिट। और आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2399 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड जिसके लिए 2300 पद हैं, उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम, यानी कि ये उन सभी के लिए बहुत यूज़फुल वैकेंसी हो सकती है जिन्होंने सिर्फ 10वीं किया हुआ है। और 2300 पद फॉरेस्ट गार्ड के यहाँ पर निकले हुए हैं। और इसके अलावा फॉरेस्टर की 99 पोस्ट है, जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि 12th मांगा गया। तो 10th और 12th बेस से सबसे बढ़िया भर्ती राजस्थान RSMS SB यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के लिए जो पद दिए गए हैं टोटल, उनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। अगर आप इसको इस वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पर इस स्क्रीन को देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस कैटेगरी में कितनी यहाँ पर पद दिए गए हैं। इसके अलावा जो PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ वहाँ पर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो था इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि भाई क्या मांगा गया है, क्या क्या इसका जानकारी है। अब इसमें जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ये sso.rajasthan.gov.in, जिसके वेबसाइट पे जाने के बाद आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ से आपको गूगल के माध्यम से भी कर सकते हैं, अगर आप लोकल राजस्थान से ही रहते हैं तो आप जन आधार के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं, या अदर लोग हैं वो गूगल के माध्यम से भी लॉगिन करके, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉगिन करना है, देन इसके लिए अप्लाई करना है। तो सिंपल सा आवेदन है। अगर आपको इस आवेदन को भरने में कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए इस फॉर्म को फिलअप करने की प्रोसेस भी लेकर आ जाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।